गुजरात के जो बीजेपी वाले हैं और वहाँ भी बीजेपी के शासन नहीं है, यहाँ वो मनीष सिसोदिया और इन लोगों को जो अंदर कर रहे हैं लोग, तो मेरा कहना है यहाँ 50 लोग गुजरात की सड़ी हुई दारू गुजरात के शासन में पी के उस पे ये भारतीय जनता पार्टी का जहाँ 27 साल से शासन है, 27 साल का शासन है और हर रोज एक साल में कम हजारों लोग दारू पी, तो उस पे बहस नहीं करेंगे ये लोग, उस पे बातें नहीं करेंगे कि वो लोग क्यों पी रहे हैं, क्यों उस पे बातें नहीं, सर्वे करना चाहिए जनता की भी जिम्मेदारी है या नहीं है, जनता की क्या जिम्मेदारी है, घर में खाना नहीं है क्या नहीं है, तो आदमी सोचता है एक आध दो सड़ी दारू समझे क्या नहीं, ये आज हाल है इस देश की। और आप उनको बोलना मैं बीजेपी वालों को के एक एक एरिया में जाओ खुले आम दारू बिक रहे हैं, कायदा कानून, कायदा कानून जैसी कोई वस्तु नहीं है, कायदा कानून जैसी कहीं पे भी वस्तु नहीं है, कायदा कानून होता आपको डगमगाया लगता है, अरे डगमगाया क्या, आज बेचारा कोई तम्बाकू गुटखा जो मतलब परमिशन दे के जो कायदा के हिसाब से बेचता है उनको डर है, दारू बेचने वालों को कोई डर नहीं है, अच्छा उनको कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है गुजरात के अंदर।